69,000 सहायक शिक्षक भर्ती अक्सर हमारे सामने सुर्खियों के रूप में आता रहता है। कभी इस भर्ती को जल्दी से पूरा कराने को लेकर प्रोटेस्ट होते हैं, तो कभी इसे रद्द करने की मांग को लेकर। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी इस भर्ती परीक्षा को कई बार सुर्खियों में लेकर आए। बीते 6 मई को भी हाई कोर्ट का एक फैसला आया, जिसमें 3 महीने के भीतर इस भर्ती को पूरा करने का आदेश दिया गया, जिसके बाद भर्ती को पूरा करने के लिए सरकारी मशीनरी तेजी से सक्रिय हुई। लेकिन इसके बावजूद इस भर्ती पर इतनी आपत्तियां आई हैं कि इसके जल्द पूरा होने के आसार नजर नहीं आते। क्या है 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला, आइए जानते हैं। दिसंबर 2018 में यूपी की योगी सरकार ने सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली। 6 जनवरी को करीब 4,00,000 कैंडिडेट्स ने लिखित परीक्षा में हिस्सा लिया। एक दिन बाद सरकार की तरफ से कट ऑफ मार्क्स की घोषणा हुई। सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स को 150 में से 97 और आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को 150 में से 90 नंबर कट ऑफ तय किए गए, यानी जनरल कैंडिडेट 65% और रिजर्व कैंडिडेट को 60%। इस परीक्षा के पहले भी शिक्षकों की एक परीक्षा हुई थी 68,500 पदों के लिए। तब पासिंग मार्क्स 40 और 45% तय किया गया था, जिसे इस बार बढ़ाकर 65 और 7% कर दिया गया। यहाँ से सीन दो गुटों में आया, एक शिक्षा मित्रों का ग्रुप और दूसरा बीएड बीटीसी वालों का ग्रुप। शिक्षा मित्रों ने 60 से 65% कट ऑफ का विरोध करना शुरू कर दिया और हाईकोर्ट चले गए। इनका तर्क था कि पहली परीक्षा किसी और कट ऑफ पर और दूसरी परीक्षा किसी और कट ऑफ पर क्यों? 11 जनवरी 2019 को मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के पास गया। सरकार हाईकोर्ट में हार गई। हाईकोर्ट ने कट ऑफ को 45 और 40% कर दिया। सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ 22 मई 2019 को सरकार की तरफ से डिवीजन बेंच में अपील की गई। बीएड और बीटीसी वाले कैंडिडेट्स ने भी सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील की। 6 मई 2020 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने योगी सरकार को राहत देते हुए सरकार द्वारा तय की गई कट ऑफ पर उनकी भर्ती कराने के आदेश दिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भर्ती की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए 3 महीने का समय दिया। 12 मई 2020 को लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। कुल 1,46,060 कैंडिडेट्स पास हुए, यानी कि रिक्त पदों की संख्या 68,000 के 2 गुना से भी ज्यादा। इस परीक्षा में पास होने वाले 8,018 शिक्षा मित्र भी हैं। हाईकोर्ट ने फैसले के खिलाफ शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। इस याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले पर रोक लगाने का और उसे रद्द करने की मांग की। 17 मई 2020 को लिखित परीक्षा में सफल कैंडिडेट्स की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की गई। 18 मई से 26 मई 2020 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। इस विज्ञप्ति में 6 जून तक नियुक्ति पत्र जारी कर देने की बात कही गई है। 21 मई 2020 को शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई 2020 से पहले राज्य सरकार से अपना पक्ष भेजने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अनरिजर्व्ड के लिए 45 और रिजर्व्ड के लिए 40% के आधार पर क्यों बदला गया। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई की तारीख अगली सुनवाई के लिए तय की। 26 मई 2020 को सरकार ने नियुक्ति के लिए आवेदन की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 28 मई कर दिया। 26 मई की शाम तक लगभग 1,35,000 कैंडिडेट्स ने नियुक्ति के लिए आवेदन कर चुके थे। आइए जानते हैं आपत्तियों के बारे में। 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा हुई और इससे एक दिन पहले ही पेपर आउट होने का हल्ला मचा। यूपी पुलिस और एसटीएफ ने पूरे प्रदेश में छापेमारी कर 28 लोगों को गिरफ्तार भी किया। यूट्यूब व्हाट्सएप पर आंसर की वायरल होने का दावा भी किया गया। परीक्षा होने के अगले दिन से ही कुछ कैंडिडेट्स ने धांधली के आरोप लगाते हुए इसे कैंसिल कराने की मांग शुरू कर दी। इलाहाबाद के सुनील मौर्य बताते हैं, लिखित परीक्षा होती है 6 जनवरी को, 5 जनवरी को ही यूट्यूब चैनल पर आंसर की अपलोड हुआ। उसमें आप समझिए 135 के लगभग सही जवाब है, इसे तुक्का नहीं कह सकते हैं। इसके बाद जिस तरह आंसर की पकड़ा गया, एसटीएफ ने पकड़ा, लोग जेल गए, उससे धांधले होने की बात साफ साफ पता चलती है। 7 जनवरी से हम लोगों ने 2 महीने तक प्रोटेस्ट किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हमने याचिका भी दाखिल की। हाईकोर्ट ने इस पर सरकार से जवाब भी मांगा, लेकिन सरकार की ओर से जवाब नहीं आया। धांधली के मुद्दे ने एक बार फिर से जोर पकड़ा रिजल्ट आने के बाद। जब रिजल्ट आया तो कई कैंडिडेट्स की मार्कशीट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। 150 में से 130 से लेकर 143 नंबर तक पाने वाले ये कैंडिडेट्स अंडरग्राउंड होने लगे। मीडिया या अन्य कैंडिडेट से बात करने से बचने लगे। इन कैंडिडेट्स का एकेडमिक बैकग्राउंड भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसे देखने पर पता चला कि किसी को हाई स्कूल पास करने में 4 साल लग गए तो किसी ने ग्रेजुएशन पूरा करने में 7 साल लगा दिए। कई ऐसे लोग हैं जिनके 5 विषय की परीक्षा टेट में नंबर आए 100 में से 40-35, जबकि उससे ज्यादा कठिन और 14 विषयों वाली लिखित परीक्षा में 90 से 95% अंक आए, जबकि इन दोनों परीक्षाओं के बीच लगभग 1 महीने का गैप था। सोशल मीडिया पर ऐसी भी कई मार्कशीट वायरल हैं, जिसमें एक ही परिवार के कई लोग पास हुए हैं, सबके लगभग बराबर ही नंबर हैं। जैसे ननू यादव के परिवार में 3 लोगों ने परीक्षा दी और तीनों के नंबर हैं 132, 131 और 128।
गोरख सिंह के परिवार में दो लोगों ने 127 और तीसरे को 126 नंबर मिले हैं। 127 नंबर वाले दोनों कैंडिडेट्स का रोल नंबर भी आगे पीछे ही है। लिखित परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर पाने वाले 10 कैंडिडेट से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म पर दिया गया उनका नंबर स्विच्ड ऑफ ही मिला। सुनील मौर्य कहते हैं, रिजल्ट जैसे ही आया ये बात स्वतः साबित हो गई कि परीक्षा में धांधली हुई है। 14 सब्जेक्ट्स के पेपर में 143 नंबर पाना लगभग असंभव है। पीएनपी यानी परीक्षा नियामक प्राधिकरण खुद सारे सवालों का ही सही जवाब नहीं दे पा रही है। ढेर सारा ऑडियो वायरल हो रहा है। मीडिया और कई अन्य लोगों ने भी इन टॉपर्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे बात करने को तैयार नहीं है। अगर आपने टॉप किया है तो फिर आपको मीडिया से या दूसरे कैंडिडेट से बात करने में डर कैसा है? अब बात आती है ओवरलैपिंग की। 2017 में जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एम खानविल्डर की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट कर दिया था कि एक बार रिजर्व कैटेगरी की छूट और अन्य रियायतों देने के बाद कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी में ही नौकरी का हकदार होगा, उसे जनरल कैटेगरी में समायोजित नहीं किया जा सकता। इसी फैसले को आधार बनाते हुए रोविंद सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल की। 27 मई को इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को 3 हफ्ते का समय जवाब दाखिल करने के लिए दिया है। रोविंद सिंह कहते हैं, जो कैंडिडेट लिखित परीक्षा में रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए तय किए गए मानकों के अंतर्गत पास हुए हैं, अब अगले स्टेज में एकेडमिक गुणांक के साथ में जोड़ते हुए जब मेरिट लिस्ट बनेगी तब वे अनरिजर्व कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, जनरल की सीट ओवरलैप कर सकते हैं। इससे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सीधा सीधा नुकसान होगा। हमारी मांग यही है कि रिजर्वेशन का लाभ लेने वाले कैंडिडेट्स को उन्हीं की कैटेगरी में समायोजित किया जाए। ओवरलैपिंग को समझने से पहले मेरिट बनाने की प्रक्रिया को समझिए। मेरिट लिखित परीक्षा और अन अकेडमिक गुणांक के आधार पर तय होगी। इसमें अकेडमिक गुणांक 40% और लिखित परीक्षा का गुणांक 7% होगा। अकेडमिक गुणांक में 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और टीचर्स ट्रेनिंग यानी BTC, DLED या BEd के 10-10% अंक जोड़े जाएंगे। जैसे हाई स्कूल में किसी के 70% नंबर आए हैं तो उसका 7 नंबर जोड़ा जाएगा, इसी तरह 12वीं ग्रेजुएशन और टीचर्स ट्रेनिंग के नंबर जोड़ेंगे और लिखित परीक्षा में जितने प्रतिशत नंबर मिले हैं उसका 60% जोड़ा जाएगा। जैसे कि अगर लिखित परीक्षा में 90 नंबर मिला है तो उसका 150 के पूर्णांक में प्रतिशत होगा 60। इस 60% का 60% गुणांक होगा 36। अब लिखित परीक्षा और अकेडमिक गुणांक दोनों को जोड़ दिया जाए और मेरिट लिस्ट तैयार होगी। शिक्षा मित्रों को यहाँ छूट दी गई है, उन्हें अनुभव के आधार पर प्रति वर्ष के हिसाब से 2.5 अंकों का भारांक दिया गया है। ये भारांक अधिकतम 25 अंकों का हो सकता है, यानी कि जब मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी तो शिक्षा मित्रों के लिखित परीक्षा और अकेडमिक गुणांक से जोड़ेंगे, साथ ही भारांक के रूप में 25 नंबर और जोड़ दिए जाएंगे। इन कुल अंकों के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन होगा, इसी के आधार पर उन्हें सीट अलॉट की जाएगी। इसके अलावा 68,500 वाली भर्ती में सेलेक्ट हो चुके लोग जो अभी नौकरी कर रहे हैं वो भी इस भर्ती में अप्लाई कर रहे हैं ताकि उन्हें अपने गृह जनपद में तैनाती मिल सके। एक वर्ग इनका विरोध कर रहा है और मांग कर रहा है कि एक बार सेलेक्ट हो चुके अभ्यर्थियों को दोबारा भर्ती में शामिल होने से रोका जाए। मुद्दा सिर्फ यही नहीं है, लेकिन परीक्षा में पूछे गए सवालों के जवाब ही सवालों के घेरे में है। इन सवालों पर आपत्तियों की भरमार है। 6 जनवरी 2019 को एग्जाम होने के बाद 8 जनवरी को जब इनकी आंसर की जारी की गई, तो पता चला कि 150 में से 142 सवालों पर आपत्ति आ गई। बाद में 3 सवालों को परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने आउट ऑफ कोर्स माना और उनके मार्क्स सभी को बांट दिए, लेकिन कैंडिडेट्स को इनके अलावा भी कई सवालों पर आपत्ति थी जिसे पीएनपी तो नहीं माना तो वे कोर्ट गए। प्रश्नों के उत्तर विकल्प गलत होने को लेकर हजारों अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका दायर करने वाले कैंडिडेट्स का कहना है कि कई सवालों के उत्तर विकल्प गलत होने के कारण सही जवाब देने के बावजूद उन्हें मेरिट लिस्ट में स्थान नहीं मिला, जबकि गलत उत्तर देने वालों को सेलेक्ट कर लिया गया है। इन कैंडिडेट्स की मांग है कि गलत उत्तर वाले प्रश्न हटाकर नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाई जाए और लिखित परीक्षा के घोषित रिजल्ट को रद्द कर दिया जाए। इन याचिकाओं पर 27 मई को सुनवाई होगी। 3 कैंडिडेट्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल कर विवादित उत्तरों के संबंध में एक समिति गठित किए जाने और उसकी रिपोर्ट के आधार पर री इवेल्युएशन की मांग की है, साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की भी गुजारिश की है। याचिकाओं को 8 मई 2020 को जारी आंसर की में 4 उत्तरों को लेकर आपत्ति है। कोर्ट ने विवादित प्रश्नों पर विशेषज्ञों की राय के साथ 27 मई तक हलफनामा पेश करने का आदेश दोनों पक्षों यानी राज्य सरकार और याचिका करने वालों को दिया है। 1.5 साल बीत चुके हैं और ये भर्ती कोर्ट कचहरी में ही फंसकर रह गई है। कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट, कभी लखनऊ खंडपीठ, तो कभी सुप्रीम कोर्ट, सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच और फिर आगे ऊपरी कोर्ट। एक मामला खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। इसी भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट और इसी की लखनऊ खंडपीठ में सैकड़ों याचिकाएं दायर की गई हैं।
6 मई को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कट ऑफ के मसले पर अपना फैसला सुनाया तो सबको लगा था कि ये मामला अब सुलझने वाला है। सरकार की ओर से यही भी कहा गया कि 6 जून तक सारी प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति पत्र भेज दिया जाएगा। सरकारी मशीनरी ने भी तेजी से काम करना शुरू कर दिया, लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद इतनी सारी आपत्तियां सामने आ गई हैं कि एक बार फिर से इस भर्ती का लटकने की संभावना बढ़ गई है। हर स्तर पर गड़बड़ी है और ये हर रोज एक नए रूप में सामने आ रही है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए।